a South Asian Canadian channel. बहुत सारे विरोधी धड़ दे नेतागण ते सत्ताधारी पार्टी वालों बोले और ज्यादातर उन्होंने इस मते की प्रोड़ता की है, स्वागत किया हक च, उन्होंने कहा कुछ सुझाव भी दिते ने। सो इस गल लई मैं सब तो पहला धन्यवाद करदा विरोधी पार्टी का, खास तौर पर कि तुसी मेरा हौसला बढ़ाया इस गल च, क्योंकि लड़ाई यह किसी सरकार की नहीं, लड़ाई यह किसी इंडिविजुअल की नहीं, यह लड़ाई अपनी सारे की है। पंजाब बहुत बारी डिग्या है पर पंजाब बहुत बारी उठा भी है। जिन्ने धाड़वी आते दिल्ली लुट्टन, सब तो पहला साडे बजुर्गों ना उन्हों का मुकाबला होंदा सी, एक बारी जाण वेले एक बारी दिल्ली लुट के जो आते उस वेले। सो साडे खून दे विच अपने हक्कां प्रति जागरूकता है, साडे जीन्स दे विच है। पार्लीमेंट दे जदों भी पंजाब ते कोई बहस चलती सी तां मैं बोलता रहा, चाहे एक मिनट मिलता सी, दो मिनट मिलता सी, मिलते सी। पर जे आपां देखिए कि जिहड़ा मेरा एक्सपीरियंस है, जो साउथ इंडिया के जिन्ने भी स्टेटा ने, तमिलनाडु है, केरल है, जा उड़ीसा है, आंध्र है, जदों भी उन्हां दी कोई स्टेट की गल चलती सी तो सारे जाने इकट्ठे होंदे सी, सारे जाने इकट्ठे बैल च होंदे सी, चाहे उन्होंने अपनी स्पैशल राइट्स की मंग करनी हो, आंध्र लई, चाहे उन्होंने हैदराबाद आजादी राजधानी लई गल करनी हो, उस वे सारे इकट्ठे होंदे सी। मैनू बहुत इदां लगदा सी कि असीं क्यों नहीं हुंदे यार इदां स्टेट लई इकट्ठे। मैं कहिंदा रहा मेरे साथियों नूं कि आओ यार इकट्ठे होके, वो नहीं यार साडी लाइन होर है, थोड़ी लाइन होर है। मैं कहा यार इत्थे लाइन कादे वास्ते खिंचदे हो तुसीं, पंजाब जाके लड़ लांगे एक दूजे दे विरुद्ध। एक बार की होया, तीन बंदे एक पिंड दे विच, आपो अपने घरों एक पिंड दे विचालों, एक पिंड दे परले पासिओं एक इधरले पासिओं, सवेरे सवेरे साढ़े चार पांच बजे खेतों में जाने लई बाहर निकले, काली बोली नेरी आ गई। मेरी इन्नी जबरदस्त सी कि तीनों बंदे चक के एक खूह दे विच सिड़ते उस हवा ने। जदों दिन चढ़िया स्पीकर साहब, तां देखिया उन्होंने तिना नूं आपस दे विच, उह तीनों एक दूजे नाल बोलदे नहीं सी पिंड च, ऑबवियसली खूह च भी नहीं बोले, आकर अपनी रखी। हरेक नूं इह सी साडे घर दे आउणगे, मैनूं कढ लैणगे, रहि जाणगे, तिन्ने इही सोचदे सी। कोई नहीं आया दुपहर तक, शाम होने आई लगी, जदों अगे रात आउंदी दिसी तां उन्हां चों इक ने कहा, कहिंदा यार चलो ठीक है, आपां एक दूजे नाल नहीं बोलदे, पर हुण आपां तिन्ने इकट्ठे हो के रौला रूला चीका चूका मार के केरां खूह चों निकल जाइए, बाहर जाके फिर नहीं बोलांगे एक दूजे दे नाल, एक वारी ये खूह चों तां निकलीए। सो जिहड़ा इह जिहड़ा साडे ते कुहाड़ा चल रहा है, साडे राज्यां ते साडियां हक्कां ते, एक बारी सारे कट्ठे होके केरा इस कुहाड़े नूं खुंडा करिए, फिर आपदे जिहड़े मुद्दे ने उह कर लांगे। मैं तां तुहानूं पहले ही कहता कि जिन्ने दिन मर्जी हाउस रख लिया करो, इह कोई पहलां वाला कम थोड़ी है। तुसीं तां बाजवा साहब कहिंदे वी एक मुख्यमंत्री इहो सी जिन्हां दा मैं नां नहीं लैणा, कमाल है, एक मुख्यमंत्री दा नां ही मिटा दित्ता आपदी कांग्रेस ने लिस्ट चों। सो यहोजे भी तुहाडे मुख्यमंत्री रहे जिन्हें तुसीं नां लेना चाहुंदे सदन च, इसे करके तुसीं इधरले पासे आए हो, क्योंकि उन्होंने साढ़े चार साल दरवाजे नहीं खोले। बाजवा साहब भी चिट्ठियां दरवाजे के थलों की बेल विच दी सिट के जाते रहे हैं, वो चाके से डस्टबिन च मारते सी। चिट्ठियां तुसीं बहुत लिखियां, चिट्ठियां तुसीं बहुत लिखियां पर नहीं पढ़ियां गईयां, की करिए। सो ये राज्यां दे अधिकार ने, इहदे वास्ते आपां नूं इकट्ठे होना पऊगा। साडी मनशा ते कोई शक ना करो, बीजेपी वाले उठे मनशा पे शक है। मैं नागपुरी संतरे तां सुने सी, पर नागपुरी भाषण विधानसभा च पहली बारी सुने, उत्थों आउंदा इहनां दा भाषण नागपुर तों, ऐं बोलणा मजाल है, कोई होर बोल जे कुछ गल, उहनां दे ख्याल देख लो।
सो पंजाब च रहने हो, पंजाब का खाना खाने हो, पंजाब का पानी पीने हो, तो मुड़के कहने हो नहीं 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 पंजाब नूं इह नहीं पंजाब नूं इह नहीं। 80% कुर्बानियां दे के देश आजाद कराया तो उस आजाद देश का प्रधानमंत्री पंजाब ते डाके मारे। मैनू याद है जदों पठानकोट ते हमला होया, पठानकोट ते हमला होया एयरबेस ते, तो मिलिट्री आई मुकाबला किया, उन्होंने मार दिता गया। कुछ दिन बाद हमले तो 1.5 महीना 2 महीने बाद चिट्ठी मिली एक मैनू कि जी पंजाब सानू 7.5 करोड़ रुपया पे करे क्योंकि असी थोड़े वास्ते मिलिट्री भेजी सी। मैं क्या जी कमाल है, मैं साधु सिंह जी नाल लिया, प्रोफेसर साधु सिंह मेरे नाल सी, असी राजनाथ जी को गए, असी क्या जी 7.5 करोड़ रुपये दे दें, साढ़े MP लैड चो कट लियो पर नाल लिख के दे दो कि असी पंजाब नू किराए ते मिलिट्री दें, पंजाब हिस्सा नहीं है देश का। सब तो पहला बंदूक की गोली साड़ियां छातियां ते बजती है कि पंजाब ने मतलब इंडिया तो, पंजाब ने इंडिया तो मिलिट्री धारी ली, फिर माफ कीते जी उन्होंने जब उन्होंने पता लगे गल बधूगी। असी याद कराइए मुड़ के साडे ते कोई कष्ट पै जे तुसी साथों रेंट लो, एदू वड्डा होर की मार हो सकती है जी। सब तो वध साडे जरनैल, सब तो वध साडे फौजी मुंडे, खास तौर पर जी गुरदासपुर वाली बैल्ट का एक घर भी है नहीं तो जिथे शहीद ना हो, मिलिट्री च 5-5, 10-10, 15-15 मुंडे ना हो। अज तुसी चंडीगढ़ जिहड़ा उन्हूं कहने साडा इह इत्थे आ रखांगे, हुण असीं इत्थे पुलिस वाला पंजाब दा नहीं रह सकदा, BBMB भाखड़ा दे दो सानू, पंजाब यूनिवर्सिटी उहदे सिंडीकेट च पा दो बंदे सारे आपदे, उह भी ना पंजाबी रह ले कितें कोई, उत्थे पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले बारे सोच रहे ने, बिजली का बिल लियाउण नूं फिरदे ने, खेती बड़ी मुश्किल नाल किसानां ने अपनियां जानां गवा के बचाई है, तो की रहूगा फिर साढ़े कोल जी। पंज आब वह भी नहीं है साढ़े कोल, पानी साढ़े वो जहरीले हो गए, ना पीने वाला रहा ना धरती वाला रहा। जदों तां लोड़ सी बाहरों मंगाउंदे सी कणक, उदों पंजाब नूं कहा ग्रीन रेवोल्यूशन लैके आओ, लियांदा देश दे भंडार भरते। तो हुण जदों चौल चूल पूरे हो गए, दूजियां छत्तीसगढ़ उड़ीसा तेलंगाना इन्हां दी जमीन चल पईआं, हुण मौले वल तों सानूं छड्डण लगे ने, कहिंदे ना थोड़े तों कुछ नहीं चाहिए, सति श्री अकाल असीं अपना पानी खत्म कर लिया थल्लों। 1 किलो चौल पैदा करन वास्ते स्पीकर साहब 3800 लीटर पानी लग रहा है, असीं चौल एक्सपोर्ट नहीं कर रहे देश नूं, असीं पानी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं पंजाब की गल करदा जी, पंजाब की गल करदा जी, बह जाओ। मैं पंजाब की गल करदा कि किवें साधू खा गए धरती। मैंबर साहब हाउस में चलन दो, CM साहब बोल रहे हैं। सो जो कुछ भी इजाजत तो बिना बोलिया जा रहा और रिकॉर्ड ना किया जाए, असी असी बोली जान दो, और बोली जान दो, बोली साहब बोली जान दो, बोली जान दो, बोलो बोलते रहो। हाँ जी स्पीकर साहब, मैं ये कह रहा सी कल फोटो छप जूगी, ठीक है ठीक है जी, डब्बी भी लग जू, बस बह जाओ ओ बह जाओ। राणा जी पहले दिन मेरे हाथ के विच हाउस नूं चंगी तरह चलाउणा। CM साहब एक मिनट, तुसीं कुछ नहीं बोलो। CM साहब राणा जी, मैं माननीय मैंबर साहब नूं बेनती करदा कि हाउस नूं चलन देण, इह मेरी ड्यूटी है कि हाउस चंगी तरह चले। सारे मैंबर साहबां नूं बेनती करदा। राणा गुजीत जी, जे तुहाडे कहिंदे बारा फिर इस तरह दी तुसीं कहिंदे सी इंटरप्शन कीती गई, तां मैं सख्त एक्शन लैण लई मजबूर होवांगा।
दोबारा फिर अगर इस तरह की इंटरप्शन की गई मैं सख्त एक्शन लैन लिए मजबूर होवांगा। जो लाद मारी निकल है बापू का हाल होंगे मैं मैंने नियम करना पड़ेगा। अगर दोबारा इंटरप्शन की गई तो मैंने नियम करना पड़ेगा मैंबर साहब को। जलो सदन के नेता बोलते हैं तो कोई भी नहीं बोलेगा। अमन जी बैठो, तुसी बैठो बैठो, सारे सारे मैंबर साहबान बेनती है बैठो। जलो सदन के नेता बोलते हैं तो कोई भी मैंबर नहीं बोलेगा। मंत्री जी बैठो, मंत्री जी बैठो। राणा जी मैनों नेम करना पड़ेगा, मैनों नेम करना पड़ेगा मैनों। राणा जी, राणा जी कृपा करके तुसी बैठो, मैनों नेम करना पड़ेगा। हाउस का डेकोरम बना के रखना, हाउस का डेकोरम बना के रखना। मैं सारे मैंबर साहबान को बेनती करता कि बैठो, सीएम साहब। हेलो, हाँ जी स्पीकर साहब, मैं कह रहा सी पंजाब के हकों से हमेशा के अपने पंजाब के हकों से ट्रेजरी बेंच के मैंबर साहब को बेनती करता। राणा साहब को बैठो। राणा जी, जी राणा जी दसो। स्पीकर साहब दसो, देखो पहली बार मुंडा बोल रहा, उन्होंने बोलने नहीं दिता गया। एक मिनट इंटरप्शन पा रहा, एक मिनट, एक मिनट सुनते लाओ, बर्दाश्त करो, चुप ना करा दो। मैं गलत गल थोड़ी करूंगा, खंड मिला बोल दिया ने, खंड मिला को चोरी, खंड मिला चोरी, खंड मिला चोरी। पता लै जा, देखो बोलने वाला वो माफी मंगो ना, जो गलत बोल रहे वो माफी मंगो। सीएम साहब केयर वाल बड़ा मैंने मौका दो जी। मैं सरदार इंदर प्रताप सिंह नो नेम करता हां, नेम करता हां, अते हुक्म करता हां कि वो सदन तो बाहर चले जान, जो सदन की कार्रवाई निर्विघ्न चालू रहे। मैं मार्शल को हुक्म दिना कि मैंबर साहब को बाहर भेजा जाए, बाहर छड़ के आ जाए। मैं मार्शल को हुक्म दिना कि मैंबर साहब को बाहर छड़ के आ जाए। आज लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज अंकार है जी, अंकार है, अंकार है, अंकार है, अंकार है। मैंबर साहब को बेनती है कि आपका बाहर चले जान। राणा इंद्र प्रताप सिंह को बेनती है कि बाहर चले जान, बाहर चले जान। हो गया जी, मैं एक्शन ले लिया, मैं एक्शन ले। जो भी सदन की आज्ञा तो बिना बोलिया गया रिकॉर्ड ना किया जाए, जो भी चेयर की आज्ञा तो बिना बोलिया गया है वो रिकॉर्ड ना किया जाए। मैं मैंबर साहबान को बेनती करता कि मैंबर साहब तुसी भी बैठो, तुसी भी बैठो, बैठो बैठो बैठो। मानयोग मुख्यमंत्री साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं गल कर रहा सी कि जदों पंजाब तो कुछ चाहिए होंदा देश नूं उह लै लिया जांदा ते बाद दे विच जदों पूरा हो जांदा तां पंजाब दे हक मार लै जांदे। सो असी अज पंजाब दे हक्कां बारे इह जिहड़ा रेजोल्यूशन लेके आए हां, कल चंडीगढ़ दा नहीं, इह च बीबीएमबी वी है, इहदे विच होर वी बहुत सारे ने। भविख दे विच आउण आउण वाले भविख दे विच बहुत सारियां
उन्हां दीआं होर भी बहुत खतरनाक योजनावां ने। जिस तरह दिल्ली है, दिल्ली दे विच इह कह दित्ता गया कि जिहड़ी चुनी हुई है उहनूं सरकार नहीं कहा जाऊगा, एल जी नूं सरकार कहा जाऊगा। फिर तुसीं दिल्ली च वोटां क्यों पवाईआं बई? दिल्ली दे विच कोई काम करना होवे एल जी तो परमिशन लो। मुख्यमंत्री की कोई उत्थे मतलब चल नहीं रही, उत्थे बुकत नहीं रखी। कारण की? सरकार होर पार्टी की बन गई। इदां ही बंगाल दे विच इन्हां ने किया, सीबीआई नित जाती है। इदां ही बॉम्बे दे विच करते हैं। जिथे जिथे इन्हां दी सरकार नहीं बनी, इहदा मतलब देश का हिस्सा नहीं। जिथे जिथे बीजेपी नहीं चुनी गई, इहदा मतलब देश का हिस्सा नहीं। हो पंजाब ने बिजली मंगी एक्स्ट्रा सेंट्रल पूल चो, कहिंदे नो, हरियाणे नूं देती। दिल्ली ने हाईकोर्ट जाके रोक लवाई है कल। मतलब दूजे पासे प्रधानमंत्री जी कहिंदे ने सबका विकास सबका साथ। कित्थे साथ साडा जी? ना साडा साथ दिंदे हो ना साडा साथ लैंदे हो। सो पंजाब गुरुआं दे नाम ते बसदा है। बहुत सारे आ गए जिहड़े पंजाब नूं ऐ कर देंगे वो कर देंगे, पर पंजाब नहीं। पंजाब च दोबारा उगण दी शक्ति है। सो जिन्ना यह धक्का हो रहा है, असी सख्त शब्दों से भी निखेधी करते हैं। और आने वाले दिनों सेंटर तो टाइम लिया जाऊगा, जिस तरह बाजवा साहब ने कहा सीगा। होम मिनिस्टर तो टाइम लवेंगे, प्रधानमंत्री तो टाइम लवेंगे, राष्ट्रपति तो टाइम लवेंगे। और पंजाब का पक्ष जोड़ा जबरदस्त तरीके रखा जाऊगा। मैं कोई पास की नहीं गल करता, इन्होंने नहीं रखा उदों, इन्होंने आ करता सी उदों। पास्ट इज पास्ट ईवर्ड, गॉड कांट चेंज पास्ट। जो लंघ गया समान तो रब भी नहीं बदल सकता। आने वाले समय की गल करिए कि आपने पंजाब नूं दोबारे पंजाब किवें बनाउणा है, क्योंकि हालात यह हो गए कि जिहड़ी सिख रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट ने डिफेंस मिनिस्टर नूं लिख के दिता है कि साडे कोल पंजाब दे विचों भर्ती पूरी नहीं हो रही, जिहड़े मुंडे टैसट पास कर जाण सानूं होर कम्यूनिटीज़ दे विचों अपनी नफरी पूरी करन वास्ते इजाजत दिती जाए। आ पंजाब बनाता साडा। ड्रग्स आउंदे ने, अच्छा अच्छा चलो मनदे आ कि बॉर्डर तो पार आउंदे ने, बॉर्डर पार तो आउंदे ने। साडे नालों ढाई गुणा वड्डा बॉर्डर रास्ता आंदा, उत्थे तां कोई चिट्टा खांदा देखे नहीं। जम्मू कश्मीर च अद्धे तो वध बॉर्डर ते पार ही होई, जम्मू कश्मीर दा मुंडा तां कोई चिट्टे देखे नहीं गया। इत्थे ही बनदा जी, इत्थे ही बनदा। इत्थों वाले ने बड़ी जल्दी पब्लिक के सामने किए जाएंगे। जिन्होंने नसल कुशी की है, पंजाब की नसल कुशी की है, अज जिहड़ा पंजाब है उन्होंने फतवा बहुत वड्डा दिता साडी पार्टी नूं। असी मैं पहले दिन भी यही बोले, असी हंकार नहीं करते, असी विरोधी दल नूं नाल लेके चलांगे। अज भी जे साढ़े पंज बोले तो छे बोले थोड़े, मिलूगा टाइम खुल के बोलो। पर हाँ इदा ना बोलो कि तुम्हें बाहर कदना पवे, विषय तो बोलो। जिदे जम्मू कटड़ा जोड़ा मेरे अपने हल्के लंघता वो हाईवे, वो तो बहस हुई, खुल के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी विषय में मैं अनटच नहीं छूंगा, मैं किसी विषय में अनटच नहीं छूंगा। ईवन छोटे छोटे थोड़े मसले, छोटे छोटे मसले भी कोई लिंक करोड़ का कोई, वो भी इतने बोलो, जीरो जीरो च बोल लो। प्राइवेट मैंबर बिल लेके आओ, तुहानू बकायदा जवाब मिलेगा। सरकार चलावांगे, सरकार सानू चलाउणी आउंदी है। पहले कहिंदे रहे ना, तां जिहड़े कहिंदे सी स्टेज चलाउणा ते स्टेट चलाउणा डिफरेंट गल हुंदी है, वो फिर ना स्टेज जोगे रहे ने ना स्टेट जोगे रहे। जिहड़े कहिंदे सी आपदे नां दा मॉडल, पंजाब दा मॉडल नहीं, आपदे नां दा मॉडल, क्योंकि प्रगट साहब ने कहा सीगा कि जिहड़ा जिहड़े गलत कीता काम उहनूं ठोको। मैं हुण किवें दस्सां, ठोको वाला तां आए ही नहीं इत्थे।
जो गल गल से कहते ठोको ताली ठोको ताली। यह वक्त है, वक्त बहुत वड्डी चीज है। यह वक्त यह राजियां तो भीख मंगा दिंदा है, यह वक्त यह भिखारियों के सिर पर ताज टका दिंदा है। यह वक्त बैठ 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 मैच खत्म हो गया हूं, कांग्रेस का मैच खत्म हो गया। बह जाओ नहीं उदों जो ठोको करना नहीं सी। तो मेरा मतलब यह है कि वक्त बहुत वड्डी चीज है, डर के रहिए वक्त तो। किसी शायर ने लिखा है कि हुकूमत वो करते हैं जिनके जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। ये कोई कोई फोटो छपाउण नाल, कोई पानी दी टंकियां ते फोटो लवाउण नाल, कोई जां कोई साइकलों दी टोकरियां ते फोटो लवाउण नाल, चैन कवर ते फोटो लवाउण नाल नहीं कोई बनदा हरमन प्यारा। उहदे वास्ते काम करना पैंदा, लोकां दे विच वड़ना पैंदा, करियर छड्डणे पैंदे है, ठीक है ना। सो लोगों कुछ छड़ना पैंदा जी, तां करके लोग तुहानूं प्यार करदे है कि हाँ यार कुछ छड्डिया साडे लई। सो दो दो तीन तीन बेड़ियां वाले नहीं लोग लाइक करते, हाँ एक अद्धी वारी तुक्का लग जांदा है। तो मैं यही कहना कि सेंटर सरकार को साढ़े भी उत्थे अठ हो गए ने राज्यसभा दे विच, जल्दी दो होर आ रहे ने दस हो जाएंगे, जल्दी संगरूर की बाई इलैक्शन भी आजू भी राज्यसभा भंग हुई है ग्यारह हो जाएंगे। क्योंकि उत्थे तुसी जो देखे से ग्यारह का मतलब ग्यारह दो एक 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 ते दो ग्यारह है जी। ते मैं पंजाब नूं तुहाडे जरिए पंजाबियों पूरी दुनिया च वसदे पंजाबियों ये छोटी गरंटी दिना कि पंजाब दे हक्कां लई मेरी सरकार जिहड़ी है वह कदे भी पासा नहीं बटूगी, कदे भी कोई नकाब मूँह ते नहीं पाऊगी अगे अंदरों होर बाहरों होर। कदे भी पंजाब दे हक्कां लई असीं कोई दोगली नीति नहीं अपनावांगे, जो करांगे दस के करांगे और डंके दी चोट ते करांगे, जो करांगे पंजाब लई। उहदे वास्ते कोई गुस्से होवे, कोई गिले होवे, किसे दी कोई हित मरदे होण, किसे नूं कोई घाटा पैंदा होवे, वी डोंट केयर। आ सानूं कोई फर्क नहीं दा, जो घाटा हुण तक पंजाब नूं पिया वह पूरा करना है। पहला तो पंजाब के लोगों को पै जो घाटा वह पूरा करना है। आ जिहड़ियां हुण साडियां जेबां ते डाके ने साडे मुलाजमान दे, जिहड़े चंडीगढ़ के मुलाजम होणगे जिहड़े कॉन्ट्रैक्ट ते ने, असीं तां पक्के करन दा लै आवांगे अगली बार अपने सभा दे विच इह। ते फिर उह तां रहि गए फिर उत्थों, उह हड़ताल भी कर रहे ने, उहनां नूं तां फिर पता नहीं किहड़े पासे रख्या जो कदों कढ दित्ता जाऊगा। ते उत्थे जिथे मतलब नीले रंग का पानी वह सतलुज जिथों निकलता है, जिहड़े सतलुज का पानी लैके श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अमृत प्यार किया, उन्होंने पानिया भी साडा हक नहीं होना। जुल्मां दे खिलाफ लड़न वाली धरती है, उत्थों भी साडे हक खोए जा रहे हैं। सो इस करके पंजाब पंजाबीयत लई जो कुछ भी करना पवेगा, चाहे वह विधानसभा के विच, चाहे बाहर, चाहे दिल्ली की पार्लीमेंट, चाहे दिल्ली की पार्लीमेंट के बाहर, जिथे भी लड़ाई लड़नी पई लड़ांगे। क्योंकि जिहड़ा पंजाब है वह देश का सरमौर सूबा बनाउणा है। पहला हुंदा सी, पहला लोग पंजाब वल देखदे हुंदे सी, जदों सिलेबस दे विच सवाल आउंदा सी कि पंजाब का देश का सब तो खुशहाल सूबा कौन है, उहदा सही जवाब हुंदा सी पंजाब। ते अज असीं कितें नेड़े तेड़े भी नहीं रहे, बहुत सारियां अलामतां साडे पंजाब नूं पै निकलियां, उहनां नूं उहनां संगलियां चों ना जिहड़ियां साडे ते जरीबां पै गईआं उहनां नूं तोड़ांगे, और तोड़ के पंजाब नूं दुबारा फिर गिद्धे भंगड़े छिंझां कुश्तियां कबड्डियां जरनैलां और शायरां ते कलाकारां दा और हसदे मारदा दवामे जट मेले आ गया वह गल्लां पूरियां करन वाले किसानां दा पंजाब बनावांगे। व्यापारी खुश होवे, दुकानदार छोटा खुश होवे, जो बंदा भी जो काम करदा वो घरे आ के अपने परिवार नाल रोटी खावे ते सुखी वसे। तो सानू असी अक्सर पढ़ते हैं दुआबे तो खास तौर पर, हम तो मन में भी हो गया, हर तीजी बिल्डिंग पर लिखा हुआ है जी आस्ट्रेलिया जाने लिए मिलो,
हर तीजी बिल्डिंग से लिखा है न्यूजीलैंड वाले इधर आ जाओ, हर तीजी बिल्डिंग से लिखा है कनेडा जाने वास्ते इत्थे प्रबंध किया जाता है। कदे किसी ने नहीं लिखा कि पंजाब सुखी रहने लिए मिलो, ये गल मैं कहना कि सुखी रहने लिए सानू मिलो, असी उन्होंने सुखी बसावांगे, असी उन्होंने इत्थे रखांगे, ब्रेन ड्रेन खत्म करांगे, चंगे चंगे दिमाग जिहड़े बाहर चले गए उन्होंने भी बेनती करांगे आओ अपना घर ठीक करिए, आओ आपां सैल्फ डिपेंडेंट है, पंजाब तो रोटी खवाउंदा रहा सारे मुल्क नूं, हुण सानूं पता नहीं क्यों हाथ चन्ने ठूठे फड़ाते, गलत नीतियां कोई रह गईआं पुराणीआं। सो इस करके मैं यही बेनती करदा कि इस प्रस्ताव नूं सर्वसम्मति नाल पास किया जाए तां कि असी तकड़े हो के पावरफुल तरीके नाल असी जिहड़ा सेंटर कोले ये जिहड़ा मसला है उन्हें लेके जा सकिए। A South Asian Canadian channel.